तो फ्रेंड्स नौकरी की बरसात, 10 नई सरकारी नौकरी, 10वीं पास जल्दी करें ऑनलाइन। कुल पद की बात करते हैं तो यहाँ आपको बता दे कि 1000-2000 नहीं बल्कि यहाँ पे 45,000 पदों पर भर्ती है। जी हाँ दोस्तों, 45,026 यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू है। विभिन्न सारे विभागों में ये भर्ती आई है। तो कौन कौन सा विभाग में यहाँ पे भर्ती है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी वगैरह और भी चीज़ यहाँ पे देखते हैं, कब तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म करने का, कब से शुरू है, वो सारी जानकारी। यदि आप सरकारी नौकरी को चाहत रखते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखते रहिए, जिससे आपको पता चलेगा कौन कौन सा विभाग में अभी वैकेंसी आई है, जिसका अप्लाई भी शुरू है और कब से इसका अप्लाई हो रहा है और कब तक इसका लास्ट डेट है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा विभाग में आया है। तो फ्रेंड्स बड़ी भर्ती, बड़ी खुशखबरी यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे SSC MTS रिक्वायरमेंट 2021। तो इस महीने में यहाँ पे 45,000 पदों पे भर्ती है। वो देख लेते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे पदों पर यहाँ पे आई है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो कि MTS में आई है, SSC MTS के तहत यहाँ पे आई है, जो कि आपको बता दीजिए जॉब्स यहाँ पे परमानेंट जॉब होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं होता है। तो यहाँ पे पोस्ट की बात करते हैं तो 8,000 पदों पर है, जिसका ऑनलाइन मोड जो हो गया अप्लाई करने का ऑनलाइन मोड है, जो कि 5 फरवरी 2021 से स्टार्ट है। वही लास्ट डेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 21/3/2021 यानी कि 21 मार्च तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे नंबर, तो इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए रिक्वायरमेंट आई है, जो कि 255 पर है। इसका जो हो गया ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, ऑफलाइन है। तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि अप्लीकेशन स्टार्ट अपडेट सुन, यानी कि इसको होने वाला है। और आपको यहाँ पे दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यहाँ पे देख सकते हो कि रिक्वायरमेंट आई है, जो कि यहाँ पे 417 पद है, जो कि यहाँ पे जिसका जो हो गया अप्लाई जो हो गया ऑनलाइन मोड है, जो कि 7 फरवरी से स्टार्ट है और 21 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का। अब बात करते हैं नेहरू युवा संस्था के रिक्वायरमेंट जो आई है, 13,206 पदों पर, जो कि इसका अप्लाई ऑनलाइन है, जो कि इसका चल रहा है 5/2/2021 से स्टार्ट है और 20 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है। वो यहाँ पे बात करते हैं तो SSC GD के रिक्वायरमेंट यहाँ पे 13,000 प्लस पद है, जो कि यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, 25/3/2000 तक इसका शुरू है अप्लाई करने का और यहाँ पे 10/5/2021 तक इसका लास्ट डेट है फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पे लंबा है अप्लाई करने का टाइम। और यही यहाँ पे छठे नंबर पर नेवी MRSSR रिक्वायरमेंट 2021 के लिए यहाँ पे 400 पदों पर है, जिसका ऑनलाइन अप्लाई है और ऑनलाइन स्टार्ट डेट की बात करते हैं तो नोटिफाई सुन बताया जा रहा है। और बात करते हैं दूसरे नंबर पर, सातवें नंबर पर योग हो गया JBRT LDC एंड MTS के लिए, यहाँ पे 2410 पद है, जो कि ऑनलाइन अप्लाई इसका करना है, जो कि 19/12 से स्टार्ट है, 19 दिसंबर 2020 से, और इसका लास्ट डेट जो हो गया लंबा है, 12/3/2021 तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12 मार्च तक। तो उसका ऑफिशियल भी वेबसाइट बताऊंगा, घर आए नहीं आप। अब बात करते हैं आठवें नंबर पर, तो JBRT के MTS का है, जो कि यहाँ पे 2500 पदों पर है, जिसका यहाँ पे स्टार्ट डेट की बात करें तो 28/12/2020 से इसका स्टार्ट है, जो कि 12/3/2021 तक अप्लाई कर सकते हैं आठवें नंबर पर जो हो गया ये। और इंडियन नेवी ट्रेडमैन के लिए भी है, जो कि इसमें 1159 है, 1159 पद, जो कि इसका 22 फरवरी से स्टार्ट है और 7 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। वही आप बात करते हैं तो सभी पोस्ट के नीचे यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है कि फॉर मोर डिटेल्स क्लिक हेयर। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो इसको यहाँ पे फुल डिटेल्स आ जाता है इस भर्ती को लेकर, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो मैं यहाँ पे इंडियन नेवी के लिए यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे पूरे डिटेल्स में इसके बारे में दिया गया है कि एज वगैरह कब से लास्ट डेट है। और यहाँ पे नीचे में आते हैं, सबसे नीचे में, तो यहाँ पे ऑनलाइन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे क्लिक करते तो आ जाएगा। और यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो विशेष जानकारी, यदि आप उसको जानना चाहते हैं तो यहाँ पे ये आ गया ऑफिशियल वेबसाइट। तो सभी पोस्ट के नीचे ऐसा ही दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर भी सब के पोस्ट के नीचे यहाँ पे दिया गया। तो यहाँ पे क्लिक कर करके यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आ जाएगा। तो ये इस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से जाकर आप प्रत्येक वैकेंसी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं।
और यहाँ पे सबसे नीचे में आते हैं तो उसके यहाँ पे ऑफिशियल, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि सब कुछ यहाँ पे दिया गया, ऑफिशियल वेबसाइट, और यहाँ पे नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करते तो इसको डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करके, क्योंकि ऐसे में जॉब से रिलेटेड पर्पल की खबर लेके आता रहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड लव यू ऑल।